हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आशा करुच्छ मोर कहानी सब आपण मन भल लगुव बहुत छोट कहानी टी संपूर्ण शुणापे अनुरोध करुच्छे। आसतु आज कहानी टी आरंभ करवा। सबत झील मधुपुर ना गोटे छोट गाँ से गाँव में अशोक स्त्री रेखा सहित रोते जमी थी से चाष कर खुशी रोते दुई झी ऋतु और नीतु थे। ऋतुर बयस 8 वर्ष और नीतुर बयस 6 वर्ष थिला। गोटे दिन रेखा बिलरे काम करूला गोटे साप आसी गोड़ को कामुड़ी देला। गाँ ठारू डाक्तरखाना बहु दूर थिला से डाक्तरखाना नेला बेलू रेखार मृत्यु हो जाइथिला। अशोक स्त्री को बंचे पारिला नहीं। एबे अशोक उपरे ऋतु और नीतुर दायित्व आसी जाइथिला। गोटे दिन अशोक बापा माँ आसी अशोक को द्वितीय विवाह बुझाइले। अशोक छुआ दुईटापाई द्वितीय विवाह राजी होगला किंतु ताकु सबत मार डर थिला। तथापि से छुआ दुईटापाई विवाह करने राजी होगला। पाख गाँवर सीमा सहित अशोक बाहागर होगला। बाहागर परे सीमा ऋतु और नीतुर बहुत जत्न निए। यह देखि अशोक बहुत खुशी हुए और ता मन में सबत मार डर दूर हो जाए। ऋतु और नीतु सीमा सहित बहुत भलरे मिसीगले। एमती 2 वर्ष भलरे कटिगला। 2 वर्ष पर सीमार गोटे पुओ जन्म है। सेमार समस्त खुशी हूँ। ऋतु और नीतु छोट भाई बहुत खुशी हूँ और ता ना भिकी रखती। धीरे धीरे सीमार व्यवहार ऋतु और नीतु प्रति बदलवाक लगला। से केवल अशोक सामने प्रति भल व्यवहार करूला किंतु अशोक कम को गलापर सीमा ऋतु और नीतु प्रति बहुत खराब व्यवहार करूला। तांको द्वारा घर सब कम कराऊला आ भलरे पेट पूरा खाईपाई दे ना। गोटे दिन दुई भौनी गोटे गच्छ मूल रे कथा होते। नीतु कहला ऋतु तोते कौन लगुनी एबे मार व्यवहार आम प्रति बहुत बदली गला आउ ठीक रे भी पेट पूरा खाईपाई देना भलरे कथा भी होना खाली सब बड़े कम कराऊ। नीतु कहला हाँ दीदी माँ भी मत 2 दिन हे पेट पूरा खाईपाई देना सब बड़े खाली गाली दे। दुई भौनी कथा होता बेले पाखरे रोथिबा नेहा सब शुणुला। से दुई भौनी को डाक कहले मुते पापड़ सुखे पारना तुम्हें दुई भौनी टिके यही पापड़ सुखापी मत साल हाँ। ऋतु कहले आंटी बहुत कम समय लगे आम सुख दौचु। दुई भौनी पापड़ सुखेबारे लगिगले। से भितरे नेहा तांकपाई खाद्य रोसे करिबारे लगिगला। पापड़ सुखे सारापर ऋतु डाकिला आंटी आमे पापड़ सुखे सारिलुनी आपण आसे देखिनियंतु। नेहा से दुई भौनी को घर भितर को डाकिला। ऋतु और नीतु आसी देखिले कि तांकपाई स्वादिष्ट खाद्य थाली रे रखा होई। नेहा कहला आज एका खाइबापाई इच्छा हो नथिला तो सेथिपाई तुमपाई भी बाड़ी देछि आस सांग होई खाइबा। ऋतु और नीतु और नेहा 3 जन मिसी खाइले। बहु दिन परे दुई भौनी स्वादिष्ट और पेट पूरा खाइबा खाइथिले। एमते नेहा किछि ना किछि बहाना रे तांकु डाकी खाइबापाई दउथिला। ऋतु और नीतु बड़ हो गले। सीमा तांको पाठ पढ़ा बंद करी खाली घर काम करिबा पई कहुथिला। दुई भणी काहा को किछि न कही सबु सही जाउथिले। 2 वर्ष परे सेमानंकर बाहेबा पई बयस हो गला। अशोक भल प्रस्ताव देखि दुई झियंकर बाहागर करि देला। ऋतु और नीतु बाहा होई सासु घर को गले ओ सेठार से बहुत खुशी रे रहिले। एपटे भिकी भी बड़ हो जाइथिला किंतु से बहुत बिगड़ी जाइथिला। खाली गुंडा गर्दी करूथिला ता माँ को धमकई पैसा नहीं मद पी जुआ खेली उड़ाई दउथिला। ता माँ पैसा न देले घर जिनिष पत्र लुचाई आनी बिक्री करिवार लागिला। ऋतु और नीतु जी बापा माँ को सम्मान करुले भिकी से अपमानित करूला। अशोक और सीमा यह देख बहुत दुखी होते। से भिकीर बाहाघर करदे भाविले बाहाघर पर बोधुए भिकी बदली जीव किंतु बाहाघर पर आधिक अपमानित करूला। से बापा माँ को कम को पठेदे घर आराम शोला। जदि ता बापा माँ केवदिन कम को जाऊन से खाईपाई देर बाहर शुआई देता।
ଏସବୁ ଦେଖି ସୀମା ପୂର୍ବ କଥା ଭାବି କଲାକର୍ମର ଫଳ ପାଉଛି ବୋଲି ଭାବିଲା। ସେ ତା ଝିଅମାନଙ୍କ କଥା ଭାବିଲା, ଭାବିଲା ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ବିଲରେ କାମ କରୁଥିଲା ବେଳେ ସୀମା ଅଶୋକକୁ କହିଲା, ଏସବୁ ମୋତେ ମୋ କଲାକର୍ମର ଫଳ ମିଳୁଛି, ମୋ ଝିଅମାନଙ୍କର ପଢ଼ା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ପେଟ ପୁରା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଏମିତି ଘଟୁଛି। ଅଶୋକ ଶୁଣି କହିଲା, ବୁଝିଲ ସୀମା, ମଣିଷ ନିଜ କଲାକର୍ମର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇଥାଏ, ଆଉ ସେହି ଜନ୍ମରେ ହିଁ ତା କଲାକର୍ମର ଫଳ ପାଇଥାଏ। କାଲି ମୋ ଝିଅମାନେ ଆସିବେ, ମୋତେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବେ, ତୁମେ ରୁହ ତୁମ ଅଲିଅଳି ପୁଅ ସହିତ। ମୁଁ ହଜାର ଥର ମନା କରିଛି କିନ୍ତୁ ତୁମ କଥା ଶୁଣିଲନି, ମୁଁ ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତୁମେ ସବୁ ବିଲବାଡ଼ି ତା ନାଁରେ କରିଦେଲ, ଏବେ ଭୋଗ। ଏସବୁ ଶୁଣି ସୀମା ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ତା ପରଦିନ ରିତୁ ଓ ନିତୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ସୀମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଦୁଇ ଭଉଣୀକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ଦୁଇ ଭଉଣୀ କହିଲେ, ଆରେ ମା, ତୁମେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ ଓ କାହିଁକି ଆମକୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛ? ତୁମେ ତୁମ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛ, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା। ଆମେ ତୁମ ଉପରେ ବିଲକୁଲ ବି ରାଗି ନାହୁଁ, ଆମେ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ବାପାଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ବି ଆମ ଘରକୁ ଚାଲ। ଅଶୋକ ଓ ସୀମା ତାଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କର ବହୁତ ସେବା ଯତ୍ନ କରୁଥିଲେ। ସୀମା ବସି ଭାବୁଥିଲା କି ଏମାନେ ମୋ ନିଜ ଝିଅ ନହୋଇ ମୋର କେତେ ସେବା ଯତ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହାକୁ ନିଜର ସବୁକିଛି ଭାବୁଥିଲି, ତା'ର ଗୋଟେ ଇସାରାରେ ସବୁ କଥା ମାନୁଥିଲି, ତାକୁ ସବୁକିଛି ଭାବୁଥିଲି, ତା'ର ଗୋଟେ ଇସାରାରେ ସବୁ କଥା ମାନୁଥିଲି, ତାକୁ ସବୁକିଛି ଦେଇଦେଲି, ସେ ଆଜି ମୋତେ ଘରୁ ହିଁ ବାହାର କରିଦେଲା। ବୋଧ ହୁଏ ସବୁକିଛି ମୋ କଲାକର୍ମର ଫଳ। ଆମେ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବା ସେମିତି ଫଳ ହିଁ ପାଇବା, ସବୁବେଳେ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ସ୍ନେହ ପ୍ରେମରେ ଅନ୍ଧ ନ ହୋଇ ସୁଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏଇ ଛୋଟ କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ନିହାତି ପାଇଥିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହିପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଏଯାଏ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଫଟାଫଟ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟୋଟାଲି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଠି ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷଣୀୟ କାହାଣୀ ସହିତ। ଏଇଠି ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।